खबर है कन्नौज से, जहां एक ओर हाड़ कपा देने वाली सर्दी में पशु पक्षियों से लेकर आम जनमानस की दिनचर्या को बिगाड़ कर रख दिया। ऐसे में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला के निर्देश पर नगरपालिका दिशाश्री अधिकारी नीलम चौधरी के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर आम जनमानस को सर्दी से राहत दिलाने के लिए अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था के साथ शहर के सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने का कार्य किया गया है। उसकी हकीकत जानने के लिए ठिठुराती रात में दिशाशी अधिकारी द्वारा व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण भी किया गया। देखिए अमित मिश्रा के साथ पूरी रिपोर्ट। के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, किस उद्देश्य के साथ? लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है शीतलहर का। आप लोगों को भी संज्ञान होगा कि काफी ठंड है, तो लोगों को देखने के लिए अलाव की व्यवस्था देखने के लिए रात में निकले हुए हैं। नगर पालिका की पूरी टीम हमारे साथ है और हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। बस स्टॉप पर आई है, रेन बसेरा बना हुआ, वहाँ पर आपने निरीक्षण किया है, क्या कमियाँ पाएंगे और क्या व्यवस्था है? कमियाँ तो मैंने लोगों से पूछी तो उन्होंने कुछ नहीं बताई है। जैसे ये पीछे बैठे कोई कमी है यहाँ पे? कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर यात्रियों की? व्यवस्था है सारी, रात में यहाँ पे हमारे कर्मचारी रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है यहाँ पे हम लोगों ने गुड़ चना की व्यवस्था करी है, भूखा व्यक्ति ना जाए यहाँ से, चाय का भी प्रबंध करते हैं समय समय पर। तो यहाँ पर अगर यात्री रुके तो उसको क्या अपना कोई आईडी कार्ड जमा करना पड़ता है और यहाँ पर क्या उसको सुविधा मिलेगी? आधार कार्ड जमा करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैनिटाइजेशन भी कराते हैं क्योंकि कोविड का प्रकोप फिर से शुरू हो रहा है। तो हम लोगों का रहता है कि एक थर्मामीटर भी हमने दे रखा है कि आप लोग पहले टेस्ट कर लीजिए, अगर किसी को फीवर है तो हमको बताइए, अन्यथा आप रोक सकते हैं यहाँ। मैम किन किन चौराहों का आज आपके द्वारा निरीक्षण किया गया? रैन बसेरा हमारा यहाँ पे बना हुआ है, इसके अलावा शेल्टर रूम है हमारा, बस स्टैंड है हमारा, विनोद दीक्षित हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, और मेन मुख्य मुख्य जो हमारे चौराहे हैं वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई। कहीं आपने अलाव की कमी पाई है क्या? अभी तक तो नहीं पाई है। यदि आप लोगों को कहीं पे कुछ ऐसा संज्ञान मिलता है कि अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए तो हमको बताएं। ठीक है।